हेलो, यदि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको प्रतिदिन फ्री लाइव क्लासेस कराया जाता है, साथ ही प्रत्येक संडे को टेस्ट लिया जाता है। परीक्षा के 2 महीने पहले से अनसॉल्व बोर्ड पेपर हल कराया जाएगा। आप समय से तैयार रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 सातत्य तथा औकलनीयता चैप्टर का वीडियो बनाया जा रहा है, प्रश्नावली 5H। ये प्रश्नावली 5H नया प्रश्नावली लिया गया है। इसमें भाग 1 बताएंगे, भाग 1 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे और भाग 2 में इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक, हर्षरूप शर्मा से बनाया जा रहा है। टोटल बुक जो है हर्षरूप शर्मा की किताब से बनाया जा रहा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है dy / dx ज्ञात कीजिए। हमें dy / dx का मान ज्ञात करना है, लेकिन x का मान दिया है 4t और y का मान दिया है 4t। ये 2 अलग अलग मान दिया है। अब हमें करना क्या है, पहले हम इसको लेंगे फिर इसको लेंगे। ठीक, देखिए x बराबर 4t ये मैंने ले लिया। अब इसको करेंगे t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए, जो हमारा एंगल राइट हैंड साइड रहेगा उसी के सापेक्ष हमें करना है। तो टी के सापेक्ष करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। जिसके सापेक्ष करते हैं वो हमेशा नीचे होता है। जैसे एक्स के सापेक्ष करते हैं तो डी एक्स नीचे होता, वाई के सापेक्ष करते हैं तो डी वाई नीचे होता, जिसके सापेक्ष करेंगे वही नीचे है। अगर टी के सापेक्ष है तो टी नीचे होगा, डी टी इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा केवल 4। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया अवकलन, किसका? x का, इसका कर लिया। अब इसका करेंगे तो लिख लेते हैं y बराबर 4t, इसको लिखेंगे t के सापेक्ष, क्या करेंगे? अवकलन करने पर। इसमें भी t एंगल दिख रहा है इसलिए t के सापेक्ष करेंगे, तो y का हो जाएगा dy / dt बराबर, ये हो जाएगा 4 टी का क्या हो जाएगा 1, तो 4t को क्या लिखेंगे 1 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे आप करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे आपको नहीं करना है। 4 टी को लिखेंगे टी के पावर -1, उसका अवकलन हमें करना है। तो यहां पे लिखेंगे d by dt 4 टी के पावर -1 कर लिया, इसको ऊपर भेज लिया, फिर 4 इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा क्या 1/t² और ये माइनस आगे आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका अवकलन हो गया। तो लिखेंगे dy / dt मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -4t². एक यहाँ पे हमें ये मिला और एक हमें यहाँ पे ये मिला। इन दोनों का मान हम कहाँ पुट करेंगे? हम dy / dx के फॉर्मूले में। फॉर्मूला होता है dy / dx बराबर dx / dt / dt dy / dt / dt / dx, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, dy / dt का मान ये है -4t² / dt / dx। अब इसका वैल्यू कहाँ है ये देखिए, अब आपको इसका वैल्यू तो नहीं दिख रहा है, तो ये into में था, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे dy / dt, इसको भाग बनाएंगे तो ये ऊपर चेंज हो जाएगा dx / dt हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब dx / dt का वैल्यू पुट करेंगे, भाग लगा देंगे, इसका वैल्यू था केवल 4, ये हो गया। इस 4 को गुणा में चेंज करेंगे तो 1/4 कर लेंगे, ये हो जाएगा -4t² / इसको करेंगे 1/4, भाग को गुणा कर लिया 1/4, 4 से 4 कैंसिल, -1t² इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है या नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको कंप्लीटली समझाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे x का मान ये दिया है, y का मान ये दिया है। तो पहले x को लेंगे, x बराबर 2at², इसको करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx / dt, इसका हो जाएगा 2 into 2a है, into t² का हो जाएगा 2t,
मिलके क्या हो जाएगा, दो दुनी के चार ए टी, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू 480। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। सेकेंड की बात करेंगे इसका, तो y बराबर है ए टी के पावर कितना है, 4 है, ए टी पावर 4। इसका करेंगे t के सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी टी बराबर 480 पावर 3। इन दोनों का मान हम एक फॉर्मूले में रखेंगे जो है डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे फॉर्मूला, डी वाई बाई डी टी भागे डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो गया फॉर्मूला। इसमें मान रखेंगे डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 480 पावर 3 भागे इसका वैल्यू 480। अब यहाँ से 4a को 4a से कैंसिल, t से t कैंसिल, क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा t के पावर 2 dy वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है x बराबर a से थीटा, y बराबर b tan थीटा। तो हम पहले x को लेंगे, तो ये हो जाएगा dx एक्स अपॉन डी थीटा, मैं थीटा के सापेक्ष करूंगा, तो dx एक्स अपॉन डी थीटा बराबर a sec थीटा है, तो sec थीटा का क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा होता है। तो ये इस तरह से हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसको लेंगे y बराबर b tan थीटा, तो y को करेंगे किसके, थीटा के सापेक्ष, तो dy वाई अपॉन डी थीटा बराबर इसका हो जाएगा b sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा के क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ये होता है अवकलन। सेकेंड, अब इन दोनों का फॉर्मूले में रखना है, तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर फॉर्मूला है dy वाई बाई डी एक्स डी थीटा, dy वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये फॉर्मूला यूज करिए, या तो भाग का कोई सिंपल है, दोनों एक ही है, b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा इंटू tan थीटा, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल, मिल जाएगा dy वाई बाई डी एक्स बराबर बी sec थीटा अपॉन ए tan थीटा। इसको इस तरह से लिख लीजिए, या आप लिखेंगे b बाई ए cosec थीटा, ये आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है ये वैल्यू, तो हम पहले t के सापेक्ष करेंगे, dx अपॉन dt बराबर cos t का क्या होता है, cos t का होता है माइनस sin t, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। सेकंड को लेते हैं, y बराबर sin t दिया गया है, इसका करेंगे t के सापेक्ष dy by dt, तो sin t का होता है cos t, तो ये लिखेंगे सीधे cos t, समीकरण नंबर 2। दो हमने कर लिया dy by dt, dx upon dt, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे dy by dx बराबर, फॉर्मूला क्या है, dy by dt भागे इतना dx upon dt, इसका वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए हम वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर हो जाएगा किसका, cos t और नीचे माइनस sin t, या मिलकर माइनस cot t, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, x बराबर a log t, y बराबर b sin t, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, जिस तरह से मैं आपको बताते आ रहा हूं उसी तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, दोनों निकाल के dy by dx का वैल्यू आप ज्ञात करके हमें कमेंट में बताएंगे कि कितना आपका आंसर आया हुआ है। देखिए x बराबर sin t, y बराबर cos 2t, अब यहां पे इसको करेंगे तो dx अपॉन dt, जो एंगल रहेगा उसी के सापेक्ष करेंगे, sin t का होता है cos t, और y का करेंगे समीकरण नंबर 1, y बराबर है cos 2t, तो इसका अवकलन करेंगे y का, तो ये हो जाएगा dy by dt बराबर माइनस 2 sin 2t, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को एक फॉर्मूले में हमें रख देना है, फॉर्मूला है dy by dx बराबर dy by dt भागे dx अपॉन dt, इसमें मान रखेंगे माइनस 2 sin 2t बटे cos t, ये आपका आंसर हो जाएगा, या तो आप इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 4 sin t इंटू cos t, sin 2a का फॉर्मूला लगा दिया बटे cos t, ये cos t से cos t कैंसिल, माइनस 4 sin t आपका आंसर मिल जाएगा, माइनस 4 sin t।
अगला क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन है, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा, दोनों में cos थीटा है तो पहले को करेंगे थीटा के सापेक्ष, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर a cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, समीकरण वन। दूसरे को करेंगे डी वाई बाई डी थीटा बराबर, ये हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा, तो दोनों मिल गया। अब निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो कि आ जाएगा बी बाई ए, ये इससे कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, एट क्वेश्चन में लिखा है एक्स बराबर ए टी प्लस साइन टी, वाई बराबर ए वन माइनस कॉस टी। अब इस क्वेश्चन को करना क्या है, इसको टी के सापेक्ष करेंगे पहले एक्स वाले को, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए वन प्लस कॉस टी हो जाएगा, ठीक है, वन प्लस कॉस टी। अब वाई को करेंगे, वाई का है ए वन माइनस कॉस टी, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको करेंगे टी के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर ए वन का हमारा हो जाएगा जीरो, तो इसको करेंगे जीरो और ये माइनस माइनस प्लस साइन टी, इस तरह से ये मिल जाएगा ए को जीरो, ये ए साइन टी। अब इसे हल करेंगे फॉर्मूले में रखकर, डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है तो मान रखेंगे ए साइन टी अपॉन ए वन प्लस कॉस टी, मैंने मान रख दिया, इसे हल करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे टू साइन टी बाई टू इन टू कॉस टी बाई टू, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ए से ए कैंसिल, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू, यहाँ से टू से टू कैंसिल, कॉस टी बाई टू से कॉस टी बाई टू कैंसिल, साइन बटे कॉस बराबर टेन और एंगल टी बाई टू, तो ये आपका मिल जाएगा आंसर डी वाई बाई डी एक्स का मान। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन वही चीज रूट में है, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे एक्स को अलग हल करेंगे, वाई को अलग हल करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स का मान हमें कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया हुआ है, क्योंकि जो क्वेश्चन सिंपल होता है मैं उसी को बताता हूँ। इसको अगर करना है तो आप इसको इस तरह से भी कर लीजिएगा, साइन टू टी के पावर वन अपॉन टू, और इसका अवकलन कर सकते हैं, इसका भी अवकलन इस तरह से करके हल करना है। दस क्वेश्चन देखिए, दस नंबर का क्वेश्चन है एक्स बराबर लॉग टी प्लस साइन टी, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी बराबर लॉग टी का क्या होता है वन अपॉन टी प्लस साइन टी का होता है कॉस टी, आप इतना इसे छोड़ सकते हैं या टी से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा वन प्लस टी कॉस टी अपॉन टी, इतना आप इसे छोड़ सकते हैं। अब इसे वाई बराबर करेंगे ई पावर टी प्लस कॉस टी का, इसे भी टी के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, ई पावर टी का वही हो जाएगा और कॉस टी का होता है कॉस टी का माइनस साइन टी, तो लिखेंगे माइनस साइन टी, इन दोनों का मान फॉर्मूले में रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई पावर टी माइनस साइन टी अपॉन दूसरा वैल्यू वन प्लस टी कॉस टी अपॉन टी, इसको थोड़ा सा हल करेंगे टी ऊपर चला जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा टी ई पावर टी माइनस साइन टी बटे वन प्लस टी कॉस टी, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स बराबर लॉग टी वाई बराबर ई पावर टी कॉस टी, तो सेम वही क्वेश्चन है जो इसके पहले मैंने दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में लॉग टी प्लस साइन टी था, इस वाले में ये था और बाकी वही चीज है, लेकिन इस वाले में बस यहाँ पे साइन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर आपका आया हुआ है, जैसे मैंने इसके पीछे वाले क्वेश्चन को किया उसी तरह से आपको करना है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में पहले y का मान दिया है फिर x का मान दिया है, तो पहले y को ही हल कर लेते हैं t के सापेक्ष, डी वाई बाई डी टी बराबर a इंटू कॉस पावर 3t, इसका जब अवकलन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर t इंटू कॉस का अलग करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन टी, हल करेंगे 3 आगे भेजेंगे 3a cos स्क्वायर t और ये माइनस को यहाँ भेज देंगे और ये साइन t, ये हो जाएगा dy by dt का वैल्यू। अब x को करेंगे,
एक्स बराबर क्वेश्चन में ए साइन पावर थ्री टी, इसको कैसे करेंगे, टी के सापेक्ष करना है, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, देखिए थ्री ए साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का अलग करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस टी। अब इसका मान हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मूले में रखेंगे, तो माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, पहला वाला मान जो ऊपर निकाला था, दूसरा मान थ्री ए अपॉन थ्री ए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब देखिए यहाँ से थ्री ए कैंसिल, साइन टी कैंसिल, कॉस टी कैंसिल, तो मिलके क्या मिलेगा, मिलेगा माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी बराबर माइनस कॉट टी, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है इस तरह से, एक्स बराबर इसका करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन नोस टी का, और 1 प्लस टी है, ये एंगल हमारा टी है तो टी करेंगे, इसका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, इसका मैंने कर लिया। इसी तरह इसका करेंगे तो दोनों का आप अलग अलग करके डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लीजिएगा, जो कि सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, तो सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे उसके बाद आगे हल करेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा, अगर ये थीटा एंगल है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, ये हो गया ए। अब यहाँ पे थीटा के स्थान क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, इस तरह से ये पहले का मैंने कर लिया। दूसरे का करेंगे डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए, वन का जीरो हो जाएगा और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, इस तरह से। अब दोनों का मान हम रखेंगे डी वाई बाई डी एस के फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा बटे, ये वैल्यू क्या था, ए वन माइनस कॉस थीटा, इसको बस सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे, माइनस ए से ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, माइनस टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू बटे, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये इसका फॉर्मूला होता है, बराबर टू से टू कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, कॉस बटे साइन बराबर कॉट, कॉट थीटा बाई टू, ये आपका आंसर। ठीक, तो आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, x बराबर log t, y बराबर e पावर t sin t, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता दिया है, बस इसके स्थान पे वो क्वेश्चन था cos t, जो कि इसके पहले क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 या 13 वाले क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन सिंपल है। तो 15 क्वेश्चन तक आज मैंने कंप्लीट कर दिया, भाग 2 इसका बनाया जाएगा, और भाग 2 में हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे और पूरे क्वेश्चन को खत्म करेंगे, जो प्रश्नावली 5H का बनाया जाएगा। प्रश्नावली 5H का भाग 2 कल मिलेगा सुबह 6 बजे, आप सुबह 6 बजे तैयार रहें। जय हिंद।